हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। तो बढ़ते हैं हमारे चैप्टर के एंड की तरफ। क्या है, हम लोग को लास्ट पार्ट जो है, मैंने बताया था कि हम लोग को फ्यूल सेल पढ़ना है और लैंड स्टोरेज सेल जो हमने लास्ट टाइम भी देख चुका है। फ्यूल सेल तक जाने से पहले हम लोग एक और सेल पढ़ेंगे, दो सेल जो है आज हम लोग पढ़ेंगे, जो है निकल कैडमियम सेल है और दूसरा जो है वो मर्क्यूरी सेल है। निकल कैडमियम सेल और मर्क्यूरी सेल क्या होता है हम लोग उसको डीप में देखेंगे, ठीक है। निकल कैडमियम सेल स्टार्ट करते हैं हम लोग। निकल कैडमियम सेल क्या होता है ये, तो हम लोगों ने देखा होगा, मैंने आपको ड्राई सेल पढ़ाया तो उस टाइम में मैंने बताया था कि वो कौन सी चीज़ होती है। एग्जाम्पल समझाने के लिए बताया था कि हमारा जो एवरीडे की बैटरी होती है जिसको हम लोग रिचार्ज नहीं कर सकते, उसको हम लोग यूज करके फेंक देते हैं, राइट। बट आप लोग को पता होगा कि हम लोग की मार्केट में एक और बैटरी आती है जिसको रिचार्जेबल, जो रिचार्जेबल होता है ना, आप लोगों ने मेरे को उस टाइम पे बोला होगा, नहीं सर आजकल की तो बैटरी जो है रिचार्जेबल होती है ना, आजकल की बैटरी रिचार्जेबल होती है, सर आप तो गलत बोल रहे हैं। नहीं, मार्केट में दो टाइप की बैटरी आती है, एक बैटरी जो रिचार्जेबल होती है, एक बैटरी जो रिचार्जेबल नहीं होती। जो रिचार्जेबल नहीं होती वो है ड्राई सेल। वो क्या है ड्राई सेल, जो मैंने पढ़ा चुका हूँ आपको ड्राई सेल का कॉन्सेप्ट पूरा, ठीक है। और वो बैटरी जो रिचार्ज होती है वो कौन सी है, निकल कैडमियम, दोनों जितनी वही है। निप्पो की बैटरी आती है ना, निप्पो की और पैनासोनिक की बैटरी आती है, रिचार्जेबल लिखा होता है उसके ऊपर, राइट ना, उसको हम लोग रिचार्ज कर सकते हैं। तो वो बैटरी, वो सेल जिसको रिचार्ज कर सकते हैं हम लोग, उसको हम लोग बोलेंगे वॉट, निकल कैडमियम सेल। वो निकल कैडमियम सेल से बनती है, निकल कैडमियम सेल उसका अंदर का प्रिंसिपल जो होता है निकल कैडमियम सेल होता है, इसी प्रिंसिपल पे काम करती है। और वो जो बैटरी जो है जो रिचार्जेबल नहीं होती वो है ड्राई सेल, जो मैंने पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, रिचार्जेबल बैटरी है, जो रिचार्ज होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वोल्टेज सेल। तो वही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये आपके सामने मेरा डायग्राम है, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में नहीं है, मैंने आपके रेफरेंस के लिए बनाया हूँ। तो यहाँ पर याद रखना, ये क्या है, पहला पॉइंट हम लोग मालूम पड़ता है कि ये क्या है, सेकेंडरी वोल्टेज सेल। ये क्या है, सेकेंडरी वोल्टेज सेल, मतलब वो चीज जो क्या है, रिचार्ज हो जाए। तो यहाँ में इसको हम लोग रिवर्स फ्लो ऑफ करंट के जरिए, रिवर्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के जरिए रिचार्ज कर सकते हैं। तो ये बैटरी में ऐसा है, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट जैसे मैंने बोला कि इट कैन रिचार्जेबल बाय रिवर्स फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैंने बता चुका हूँ, इसको रिचार्ज कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट लिखे हमने। उसके बाद इसके जैसे हम लोग कंस्ट्रक्शन बताते हैं कि एनोड क्या है, कैथोड क्या है, वो बताएंगे। तो हम लोग बताएंगे कि व्हाट इज एनोड इन दिस बैटरी, इन दिस सेल, एनोड इज नथिंग बट अ कैडमियम मेटल। किससे बना हुआ है एनोड, कैडमियम मेटल, कैडमियम मेटल से बना हुआ है एनोड। और कैथोड क्या है, कैथोड इज नथिंग बट अ NiOOH, आपकी बुक में NiO2 दिया हुआ है, वो मेरे ख्याल से रॉन्ग है, बिकॉज मैंने जहां तक दूसरे रेफरेंस बुक को रेफर किया हूँ बहुत जगह पर यही दिया हुआ है, तो NiO2 जो है मेरे ख्याल से रॉन्ग है। यहाँ पर निकल ऑक्साइड नहीं, निकल ऑक्सी हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या आएगा, दिस इज नथिंग बट अ निकल ऑक्सी हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो हमारा कैथोड क्या है, निकल ऑक्सी हाइड्रोक्साइड। अब इसमें होता क्या है, इसमें अच्छा वोल्टेज कितना होता है, इसका वोल्टेज अगर मैं सेल एक्शन में लिखता हूँ, फिर वोल्टेज लिखता हूँ, हाँ, तो यहाँ लिखे थे, चलो ये उसका वोल्टेज होता है 1.4 वोल्ट, कितना वोल्ट होता है 1.4 वोल्ट। ये कब बना, इन्वेंट ये हुआ था 1899 के करीब, मेकर से बस ये क्या है हमारा इन्वेंट हुआ, ठीक है। ये जो सेल है वो इन्वेंट कब हुआ, 1899 में इन्वेंट हुआ। नाउ लेट्स सी द सेल रिएक्शन ऑफ व्हाट निकल कैडमियम सेल। सो क्या होगा, हम लोग जैसे लिखते हैं, हम लोग मान में हम लोग क्या करेंगे, एट एनोड, एनोड पे क्या होगा बोलो, हम लोग को मालूम है कौन सी चीज है, मेटल, कैडमियम मेटल है, तो लिखूंगा मैं कैडमियम सीडी, राइट। सीडी ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, हम लोग इलेक्ट्रॉन लूज करने को कैसे दिखाते बेटा, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इलेक्ट्रॉन लूज करने पे हम लोग दिखाते हैं कि इलेक्ट्रॉन लूज को हम लोग राइट साइड में लिखते हैं, एनोड में कहा लिखते हैं राइट साइड में, यहाँ पर माइनस हुआ तो उसको दिखाया था कि उस तरफ लिखेगा प्लस करेंगे। तो यहाँ पर सीडी जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सीडी दो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, टू इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और ये क्या बनेगा, सीडी प्लस टू बन जाएगा, सीडी क्या बन जाएगा, सीडी प्लस टू, बिकॉज ये अल्कली मीडियम में होता है, बेसिक मीडियम में होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, OH माइनस भी आएगा, राइट, OH माइनस, तो OH माइनस से रिएक्ट करने के बाद OH माइनस सीडी प्लस टू मिलेगा, तो क्या बनेगा, OH
सी डी ओ एच ट्वाइस बनेगा, प्लस टू चार्ज तरफ से दो OH लगे, यहाँ पे दो OH लगे, इसलिए यहाँ पर दो OH लिखा मैंने, और यही दो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकल के यहाँ पर गए, राइट। क्लियर है हम लोग को, कोई डाउट है किसी को? यहाँ पर एन एन और समझना कि हम लोग को यहाँ पर क्या हो गया OH। नाउ एड कैथोड, कैथोड में क्या होगा, क्या होगा बेटा, क्या है हमारा कैथोड, कौन है हमारा कैथोड, है एन आई ओ ओ एच, है ना, क्या है हमारा एन आई ओ ओ एच, मतलब निकल ऑक्सी हाइड्रोक्साइड, क्या है हमारा कैथोड, निकल ऑक्सी हाइड्रोक्साइड। हमारे इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे वाटर होता है, तो एच टू ओ के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, कैथोड में क्या होता है इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, टू इलेक्ट्रॉन गेन किया, राइट, टू इलेक्ट्रॉन गेन किया, इलेक्ट्रॉन गेन करने से क्या होता है, ये भी क्या बनता है, ये भी हम लोग का हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होता है, किसमें कन्वर्ट होता है, हाइड्रोक्साइड, निकल ऑक्सी हाइड्रोक्साइड जो है वो निकल हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होगा, तो क्या बनेगा निकल हाइड्रोक्साइड, एन आई ओ एच ट्वाइस, एन आई ओ एच ट्वाइस बनेगा, राइट, ध्यान से देखो एन आई ओ एच ट्वाइस बनेगा, और साथ ही साथ क्या होगा, टू मोल्स ऑफ क्या आएगा ओ एच माइनस निकल जाता है, क्या निकलता है, टू मोल्स ऑफ ओ एच माइनस निकलता है, तो यहाँ पर बैलेंस करना है मेरे को, तो बैलेंस करने के लिए हम लोग को जरूरी है एच को बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ पे एच तीन है, वहाँ पे एच क्या है चार है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको ट्वाइस करना पड़ेगा, इसको ट्वाइस किया तो मेरे को इसको भी ट्वाइस करना पड़ेगा, इसको ट्वाइस किया तो मेरे को यहाँ पर एच कितने हो गए, देखो यहाँ पर दो दो चार दो छः, छः एच हो गए, ट्वेल्व एच छः हो गए, यहाँ पर दो और दो चार है, तो इसको ट्वाइस करूँगा और यहाँ पर रिएक्शन मेरी बैलेंस हो जाएगी। यहाँ पर निकल ऑक्सी हाइड्रोक्साइड जो है कन्वर्ट हुआ निकल हाइड्रोक्साइड में और OH माइनस निकल गया, ठीक है ना, OH माइनस निकल गया, नेट सेल रिएक्शन निकालेंगे, नेट सेल रिएक्शन में कैंसिलेशन कर दे, OH OH कैंसिल हो गया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, जो बचा है वो माइनस नेट सेल रिएक्शन है, क्या है सी डी प्लस सी डी यहाँ पर है, इस तरफ और का बचा है टू एन आई ओ ओ एच प्लस टू एच टू ओ gives CD OH twice plus 2Ni OH twice, ये बचा है मेरे पास, मेरे पास जो बचा है मैंने लिख दिया और मैं सेल रिएक्शन कंप्लीट हो गया, क्लियर है मेरे को, ये पार्ट हो गया हमारा कि हमारा के सेल रिएक्शन क्या थी वो मैंने कंप्लीट कर दिया, और लास्ट पार्ट है हमारा, इसके अंदर मैंने बताया क्या पार्ट रह गया था, वोल्टेज तो मैं बता रही हूँ, वोल्टेज कितना देता है ये 1.4 वोल्ट देता है, और ये कहाँ यूज होता है, तो हम लोग मान लो हम लोग कहाँ का यूज करते हैं, टॉयज में यूज करते हैं उसको, और कैलकुलेटर्स में यूज करते हैं, वॉचेस में यूज करते हैं, राइट ना, रिचार्जेबल सेल जो है हम लोग कहाँ का यूज करते हैं, हम लोग को सबको मालूम है, टॉयज है, बैटरीज मतलब क्या कह रहा हूँ, वॉचेज है और कैलकुलेटर एक्सेट्रा, दीज आर द एप्लीकेशन और यूजेज ऑफ व्हाट निकल कैडमियम सेल, दो मार्क या तीन मार्क के लिए आएगा, आपको डायग्राम नहीं दिया है तो नहीं बनाना है हमको, मैं समझने के लिए बनाया, अगर बनाया तो वेरी गुड, आपको अच्छे भाई सामने जो इम्प्रेशन अच्छा होगा, मैं इसको समझाने के लिए बनाया हूँ, आपको बता दूँ कि ये निकल कैडमियम सेल जो है इसकी वैल्यू बहुत थी और बहुत है भी, नाम बहुत फेमस है ये, मगर इसकी वैल्यू कब कम हुई, 1990 में क्या हुआ, हम लोग का एक और सेल आया लिथियम आयन सेल आया, और लिथियम आयन सेल ने इसकी जगह ले ली, और लिथियम आयन सेल जो है इससे सस्ता ही एक्सपेंसिव है, ये थोड़ा महंगा होता है तो एक्सपेंसिव है, तो ये एक्सपेंसिव था, हम लोग ने इसको रिप्लेस किया किसके लिए, लिथियम आयन सेल जो सस्ता होता है और अच्छा होता है, ज्यादा चलता है, ये भी ज़्यादा ड्यूरेशन से चलता है एज कम्पेयर टू ड्राई सेल के मुकाबले में, ये ज़्यादा चलता है, मगर इससे ज़्यादा लिथियम आयन चलता है, इसलिए हम आज जो यूज़ करते हैं वो लिथियम आयन सेल यूज करते हैं, तो आपके सामने समझ में आया हम लोग को निकल कैडमियम सेल क्या होता है, बहुत इजी पॉइंट से पहला पॉइंट भी लिखूंगा, इट इज़ अ टाइप ऑफ सेकेंडरी वोल्टाइक सेल, राइट, सेकेंड पॉइंट इट कैन बी रिचार्जेबल एज इट इज सेकेंडरी वोल्टाइक सेल, देयरफॉर it can be rechargeable, in this cell the anode is nothing but a cadmium metal and cathode is a nickel oxyhydroxide, then hum log likhenge it provides around 1.4 voltage, right, voltage bata diya, aur uske baad cell reaction likhenge, cell anode pe kya hota hai, cathode pe kya, cell reaction maine bata diya, cancel out karenge aur cell net cell reaction nikal ke dikhayenge,
ठीक है। और लास्ट में यूजेस देखेंगे कहाँ भी यूज है। तो हमारा यहाँ पर जो है निकल कैडमियम सेल कंप्लीट होता है। हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसकी तरफ जाएंगे, हम लोग जाएंगे मर्क्यूरी सेल की तरफ। ठीक है, राइट इट डाउन। ओके, सो आपने लिख लिया। नेक्स्ट टॉपिक पे अगर के हम लोग मर्क्यूरी सेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज बटन सेल। बटन सेल मतलब क्या? वो वाला सेल जो हमने नॉर्मली बैटरी हमने जो घड़ी में लगाते थे, वो छोटा सा बटन की तरह होता है, राइट। वो सेल जो होता है वो मर्क्यूरी सेल होता है, राइट, छोटा सा। तो आपके सामने उसका स्ट्रक्चर तो काट के मैंने इंटरनल पार्ट बता दिया ताकि आपको समझ में आए कि इसमें क्या होता है। ठीक है, लास्ट टाइम की तरह हम पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट क्या हमारा था लास्ट टाइम, क्या वो सेकेंडरी सेल था, बट इट इज अ प्राइमरी वोल्टाइक सेल। इट इज अ प्राइमरी वोल्टाइक सेल, राइट। प्राइमरी वोल्टाइक सेल बुक के अंदर, तुम्हारे बुक के अंदर रॉन्ग दिया हुआ, जो नई बुक आई है उसमें रॉन्ग है, मिस्टेक है शायद, बिकॉज ये प्राइमरी वोल्टाइक सेल है, सेकेंडरी वोल्टाइक दिया है इसमें, रिचार्जेबल बोला है। ये रिचार्जेबल नहीं होता, नॉन रिचार्जेबल होता है, इट इज अ नॉन रिचार्जेबल सेल, रिचार्ज नहीं होता। समझ लो ध्यान से रखो कि ये रिचार्ज नहीं होता है। जैसे हम लोग मालूम है ना भाई, सेल जो है घर घड़ी जो है सेल चले जाता है, हम लोग निकाल के फेंक देते, नया सेल भी ले लेते हैं, छोटा सा सेल जो होता है, हम लोग को मालूम है, याद करो। ठीक है, ये सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट अगर बात करेंगे तो मैंने थर्ड पॉइंट क्या बताया था कि एनोड क्या है, कैथोड क्या है। तो हमारा क्या है, एनोड की बात करेंगे। एनोड, व्हाट इज एनोड, यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, एनोड इज नथिंग बट अ जिंक व्हिच इज अमालगेटेड, अमालगम मतलब एलजी से उसको कवरिंग करेंगे, अमालगम करेंगे उसके अंदर, अमालगेटेड, राइट, जो अमालगेटेड किया गया है। सेकेंड कैथोड कौन है, तो कैथोड आपके सामने ही लिखा हुआ है, कैथोड क्या है, तो कैथोड इज नथिंग बट HgO प्लस ग्रेफाइट मिक्स विद ग्रेफाइट पेस्ट, दोनों का पेस्ट होता है, ग्रेफाइट और HgO का पेस्ट होता है, जो कैथोड का काम करता है यहाँ पर। ठीक है, ये आपके सामने लास्ट पार्ट जो लिखना है, तो मालूम हो गया है सेल रिएक्शन, सिखाया है सेल रिएक्शन लिखना है। सेल रिएक्शन क्या होगा, एनॉड तो बेसिक सोल्यूशन में हो रहा है तो क्या होगा, OH माइनस आएगा, राइट, OH माइनस आएगा। यहाँ पर थोड़ा अलग रिएक्शन होती है, यहाँ पर जो है जिंक जो है, जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इलेक्ट्रॉन लूज किया तो जिंक कौन सा हो जाएगा, जिंक Zn प्लस टू बन जाएगा, जिंक जो है Zn प्लस टू बन जाएगा, जिंक जो प्लस टू है वो यहाँ से ऑक्सीजन ले लेगा, मतलब क्या हो जाएगा, ZnO बन जाएगा, क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। और यहाँ पे टू मोल्स ऑफ OH माइनस का रिक्वायरमेंट होता है, और टू मोल्स ऑफ OH माइनस में से एक ऑक्सीजन गया बचा, क्या H2O बचा, तो यहाँ पर हम लोग को H2O मिलेगा और दो इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज हो जाएंगे एनोड में। ठीक है, जैसा मैं बता रहा हूँ। ठीक है, नाउ एट कैथोड, कैथोड में कौन है हमारा, एट कैथोड देखो कैथोड में कौन है, कैथोड में HgO है हमारा, HgO क्या है हमारा, कैथोड का काम कर रहे हैं। HgO क्या करता है, यहाँ पे खाली पानी में, ये क्या है हमारे को, जिंक ऑक्साइड सैचुरेटेड सोल्यूशन है, सोल्यूशन मतलब पानी, तो पानी होगा, यह पानी से रिएक्ट करता है H2O, कैथोड में इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इलेक्ट्रॉन ऐड किया मैंने, इलेक्ट्रॉन आएंगे, इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, ये क्या होगा, ये जो H2O ये इलेक्ट्रॉन को ले लेगा यहाँ पर, और क्या बन जाएगा, OH माइनस, जो बन जाएगा OH माइनस भाई, बिकॉज यहाँ पे दो H है तो यहाँ पे टू लगा दिया, तो टू OH माइनस, दो इलेक्ट्रॉन लगेंगे, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, समझा लोगो, तो ये OH माइनस, दो OH माइनस निकल गए और दो इलेक्ट्रॉन बचा, क्या खाली Hg बचा, क्या बचा, Hg, समझा लोगो। अब क्या है, नेट सेलेक्शन निकालने का लोगों को आता ही है, नेट सेलेक्शन क्या हुआ, जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दूं, ये कैंसिल होता है, ये कैंसिल हो रहा है, वाटर कैंसिल हो रहा है, राइट, ये तीन चीज कैंसिल हो रही है, जो बचा है वो मेरा नेट सेल रिएक्शन है, जिंक बचा, HgO बचा, इस साइड उस साइड क्या बचा, जिंक ऑक्साइड बचा प्लस Hg जो है सेपरेट हो गया। तो यहाँ पर हम लोग मालूम पड़ेगा कि
जिंक ऑक्साइड मिलता है एट द एंड प्रोडक्ट में और मर्क्यूरी अलग हो जाता है, समझा। तो ये हमारा कौन सी रिएक्शन हो गई, नेट सेल रिएक्शन ऑफ बट मर्क्यूरी सेल, मर्क्यूरी सेल की नेट सेल रिएक्शन देखे हमने, समझा। तो बहुत सिंपल था। और एग्जांपल यूजेस क्या है इसके, इसके यूजेस है जो हियरिंग एड होते हैं, जो देखो एज हो जाने के बाद हम लोग क्या करते कान पे लगाते ना लोग जो है एक तरह ब्लूटूथ टाइप जो है होता है जो आवाज़ सुनने में हेल्प करता है, तो उसमें जो सेल रहता है वो सेल कौन सा होता है, मर्क्यूरी सेल होता है। वॉचेस में यूज होने वाले सेल कौन सा था, मर्क्यूरी सेल। टॉयज में भी यूज होता है ऐसे सेल जो बड़े बड़े होते, छोटे नहीं होते, वॉचेस में छोटे होते हैं मगर टॉयज में बड़े बड़े सेल लगे होते हैं जो गोल होते हैं, तो वो सेल भी क्या है, मर्क्यूरी सेल। तो ज्यादा एग्जाम्पल और यूजेस ऑफ वर्ड मर्क्यूरी सेल, तो ये हमारा पूरा ओवरऑल हो गया। हमने क्या देखा कि हमारा प्राइमरी वो ये क्या है, हमारा मर्क्यूरी सेल क्या है, प्राइमरी वोल्टाइक सेल है, राइट। प्राइमरी वोल्टाइक सेल इसका मतलब रिचार्जेबल होगा क्या, नहीं, इट इज नॉन रिचार्जेबल। एनोड क्या होता है, तो एनोड क्या है, हमारा जिंक अमालगम जो अमालगम के जरिए हम लोग उसको अमालगे मतलब मर्क्यूरी के जरिए हम लोग उसको क्या करेंगे, अमालगेटेड करेंगे, अमालगम से वो जेड इसको हम लोग लिखते वक्त कहते हैं जिंक एच जी लिखते हैं, जेड एच जी जिंक अमालगम बोलते हैं, राइट ना। तो जिंक अमालगेटेड होता है और एनोड पे, सॉरी कैथोड पे कौन सा हमारा पेस्ट ऑफ वर्ड एच जी ओ एंड ग्रेफाइट, ग्रेफाइट और एच जी ओ का पेस्ट को हम लोग एज ए कैथोड के तौर पर यूज करते हैं। कि मैंने सेल रिएक्शन दिखाया, नेट सेल रिएक्शन में हम लोग को मर्क्यूरी सेपरेट हो जाएंगे और जिंक ऑक्साइड एट द एंड प्रोडक्ट में मिलेगा, और ये हम लोग को मालूम पड़ गया। इसका वोल्टेज कितना है, तो इसका एक कॉन्स्टेंट वोल्टेज रहता है, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि दूसरे मुकाबले में इसका वोल्टेज एकदम कॉन्स्टेंट रहता है, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो उसका वोल्टेज कितना, 1.35 वोल्टेज हम लोग को मिलता है जो कि कॉन्स्टेंट वोल्टेज होता है। और जो बैटर है, बेटर है किसके मुकाबले में, ड्राई सेल के मुकाबले में, ये भी एक अच्छा सेल है जो ड्राई सेल के मुकाबले में बेटर है, क्योंकि ड्राई सेल जो है वो भी नॉन रिचार्जेबल, ये भी नॉन रिचार्जेबल है, मगर मैं कंपेयर करूँगा तो ये क्या है, ये ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें कॉन्स्टेंट हम लोग को वोल्टेज मिलता है, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ पर रुक जाते हैं, आज के लिए काफ़ी है मेरे ख्याल से। नेक्स्ट हम लोग लास्ट टॉपिक जो है फ्यूल सेल और एप्लीकेशन जो है देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ वॉट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखेंगे और चैप्टर वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं हम लोग, अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगता है, मेरे लेक्चर में मेरे वीडियो समझ में आते हैं आपको, तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और क्या कीजिए, लाइक कीजिए और पूरा वीडियो देखिए, अपनी अपनी नोट बनाइए, क्यों मालूम आप लोग का मैं देख रहा हूँ कि आप लोग के जो वॉच टाइम है वो कम होते जा रहा है, राइट ना, वॉच टाइम जो है वो कम होते जा रहा है। आप लोग ने मेरे को स्टार्ट में बहुत फास्ट वॉचर टाइम दिया, बहुत फास्ट, मगर अब जो है एक दो तीन दिनों से वॉच टाइम बहुत कम है, तो मैं चाहूँगा आप लोग पूरा वीडियो देखिए और वीडियो देख के जो है वो उसका यूज़ कीजिए, मतलब वॉच टाइम में मैटर ये नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप लोग उसका यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, आपको यूज़ करना है, पूरा वीडियो देखना है, ठीक है, पूरा वीडियो देख के अपनी नोट्स बनाना है और उसको टेक्स्ट बुक से कंपेयर करके समझ के लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू।